कौन सा कंपनी में जाएंगे तो फैसिलिटी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप लोग कतर में इस टाइम में जाने वाले हैं, कतर जाने के लिए आप वेट कर रहे हैं कि आप किस भी कंपनी का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर कॉम्प्लीट दे, क्योंकि कतर में बहुत सारे ऐसा भी कंपनी जिस कंपनी जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, टाइम टू सैलरी भी नहीं मिलता है और सप्लाई कंपनी भी होता है। तो कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है और बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी भी है, तो आपको ये फाइंड करना है जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी कैसा है। वो अगर सप्लाई कंपनी होगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आप जितना रुपया लेके जाएंगे वो रुपया उठाने भी आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप जिस कंपनी में जाएंगे पहले से उस कंपनी को जानकार लीजिए, वो कंपनी अगर ठीक ठाक रहेगा, बड़ा कंपनी रहेगा, सप्लाई नहीं होगा, तो वो कंपनी में जाके आप अच्छा खास सैलरी ले सकते हैं और आपको ज्यादा फैसिलिटी भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं तो इस वीडियो में जितना सारे कंपनी को बताने वाला हूँ वो सारे कंपनी सप्लाई कंपनी है, ऐसे कंपनी के अंदर किस भी कंपनी में आप जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कतर में टॉप कॉन्ट्रेक्शन कंपनी के अंदर जो बेस्ट कंपनी है एचबीके कॉन्ट्रेक्टिंग कंपनी, एचबीके कॉन्ट्रेक्टिंग कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में जाएंगे तो टाइम टू सैलरी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा और बोनस सैलरी भी मिलता है। तो जो एचबीके कंपनी है बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी का साइट भी बहुत सारे जगह में चल रहे हैं, अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो एचबीके कंपनी को डिटेल से बताऊंगा एक वीडियो में, वो वीडियो आप देख के जानकार ले सकते हैं एचबीके कंपनी में कौन सा जगह में अभी काम चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और इस कंपनी के साथ आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस कंपनी का कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं वो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रेडको कॉन्ट्रेक्शन अलमना कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद है मिडमैक कॉन्ट्रेक्टिंग कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी जा सकते हैं, इस कंपनी का बहुत सारे वर्कर है और इस कंपनी फैसिलिटी भी ठीक ठाक मिलता है। उसके बाद हंडा इंजीनियरिंग कॉन्ट्रक्शन कंपनी, ये भी इस कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी जाएंगे तो इस कंपनी में बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी आपको इस कंपनी में मिलता है। उसके बाद मिड गल्फ कॉन्ट्रेक्शन कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते हैं, इस कंपनी जाएंगे तो बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलेगा। उसके बाद अलजबर इंजीनियरिंग कंपनी, इस कंपनी में जा सकते, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में जो फैसिलिटी है थोड़ा आपको कम मिलता है और इस कंपनी में वर्कर ज्यादा है और इस कंपनी में सैलरी तो टाइम टू आपको मिलता है लेकिन फैसिलिटी के मामले में थोड़ा पीछे है, फैसिलिटी मिलता है लेकिन बहुत सारे फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। उसके बाद गल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद बूम कॉन्ट्रक्शन कंपनी, इस कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। तो कतर में बूम कॉन्ट्रक्शन कंपनी का बहुत सारे साइट चल रहे हैं, तो बूम कॉन्ट्रक्शन कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद अल सरिया कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जाके भी आप लाइफ सेटल कर सकते हैं। उसके बाद पर कतर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में, इस कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। तो अभी स्क्रीन में सो रहे ऐसे कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी में जा सकते हैं और किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसे कंपनी के अंदर फैसिलिटी भी ज्यादा मिलेगा, ऐसे जो कंपनी है एक भी सप्लाई कंपनी नहीं है, तो सप्लाई कंपनी जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप जिस कंपनी में जाएंगे, जिस कंपनी में आप जाने के लिए कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने वाले हैं उस कंपनी के बारे में पहले जानकार लीजिए, उसके बाद जाए, पर ना आप एक कतर में जाने के बाद भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और आप जितना रुपया ला के जाएंगे, जितना रुपया जाने के लिए आप खर्चा होगा वो खर्चा उठाने भी आपको प्रॉब्लम हो सकते, मुश्किल हो सकते हैं।